Welcome dear students, myself Daisy ma'am. Today we are going to start the next topic of this chapter, that is variation of atmospheric pressure with altitude. Here we will learn what is the variation found in atmospheric pressure और ये variation क्यों होता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम atmosphere को समझने की कोशिश करें कि actually में atmosphere क्या है. Atmosphere जो है वो बहुत सारी एयर के लेयर्स हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, इस तरह से मिलकर बना है और हर लेयर एक्सपीरियंस करती है एक प्रेशर जो कि उसके ऊपर लगता है एयर कॉलम के वेट की वजह से. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्चुअली जो सी लेवल के ऊपर जो हाइट है उसकी वजह से होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसको रिलेट करते हैं कि वो कितनी हाइट पर है. जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हम अगर हाइट को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है. तो इसके दो रीजंस हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे एज वी गो अप, ठीक है, एंड अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर 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 जाते हैं तो जो हाइट है एयर कॉलम की वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. और इसकी वजह से अगर हाइट एयर कॉलम की डिक्रीज होगी तो उसके ऊपर उसका वेट भी कम होगा, और जब वेट कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एयर कॉलम. तो अगर एयर कॉलम उससे दूर होता चला जाएगा तो वेट कम होगा, वेट कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. तो इसलिए जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाते हैं, यानी कि हाइट 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10, 20, 25, जितना जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे अर्थ सरफेस से उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा. तो यहाँ पे एक रीज़न ये है. और दूसरा क्या है, एस लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर गेट कंप्रेस्ड, तो जो नीचे की जो लेयर होती है वो कंप्रेस्ड होती हैं क्योंकि उनके ऊपर एयर कॉलम का वेट ज़्यादा लगता है तो वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं, दबने लगती हैं. तो जो डेंसिटी होती है एयर की जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल करीब में होती है, पास में होती है, वो ज़्यादा होती है एंड वो तब डिक्रीज होती है. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये डेंसिटी भी कम होती जाती है, राइट. तो जिस तरह से हाइट बढ़ेगी डेंसिटी कम हो जाएगी, उस वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा. सो एज प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेयर एच इज दी हाइट, रो इज डेंसिटी एंड जी इज दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो डिक्रीज इन डेंसिटी मीन्स डिक्रीज इन प्रेशर. अगर डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम हो जाएगा. सो हम एक ग्राफ देखेंगे अभी और उस ग्राफ में हम इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से हाइट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है. अगर हाइट बढ़ती जाती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है. तो यहाँ पे हम पहले इसमें देखेंगे, ग्राफ देखेंगे. आप ये ग्राफ देखिए और इस ग्राफ में यू कैन सी ईजिली कि ये जो आपको वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस में आपको दिखाया हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मरकरी के लेवल के अकॉर्डिंगली आपको दिखाया गया है, और ये जो वाई एक्स एक्सेस है इसमें आपको दिखाया गया है कितना किलोमीटर, यानी कि हाइट दिखाई गई है. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे आपको दिखाई गई है हाइट. तो आप देख सकते हैं कि जब 6 किलोमीटर्स पे हैं तो 6 किलोमीटर्स पे अगर आप इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं हेयर तो आपको कितना मिल रहा है, अराउंड 42 या 43 सेंटीमीटर्स आपको मिल रहा है. अब हाइट 6 किलोमीटर और बढ़ गई, 12 पे आ गए, 12 को अगर आप इससे मिलाएंगे तो इट्स समवॉट 20, यहाँ से आप इसको जब मिलाना शुरू करेंगे तो ये कितनी आपको मिल रही है, समवॉट 20-25 अराउंड हो गई. 18 पे जाएंगे तो और कम होती जा रही है, 20 से भी कम हो जा रही है. 24 पे जा रहे हैं तो और 10 में आ जा रही है, 30 में जा रहे हैं और 10 से भी कम हो जा रही है. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी रीडिंग भी कम होती चली जा रही है. इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, या हाइट पे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही वैसे क्या होता चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा. सो वी कैन से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. वो उस ओरिजिनल वैल्यू से हमेशा 1/2 कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम 6 किलोमीटर्स में बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, 6
फिर 6 का डिफरेंस लिया 12, फिर 6 का डिफरेंस, तो ये 6 के डिफरेंस पे लेते लेते हम 30 तक पहुंच गए हैं। और 30 किलोमीटर्स में आप देखेंगे कि लीस्ट आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग मिलेगी। अगर आप इसको स्केल से अगर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को, जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको अराउंड 4-5 से ज़्यादा आपको सेंटीमीटर्स नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। सो आई होप कि आप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। Then we will see consequences of variation of atmospheric pressure with altitude. क्या consequences होते हैं जब atmospheric pressure में variation आते हैं height के साथ साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे sinks atmospheric pressure is less at high altitude, जो हम बोल ही रहे हैं। Example on high heels, breathing becomes difficult. यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा height पे चले जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। Person suffering with a high blood pressure or asthma may feel breathlessness at higher altitudes. तो जिन लोगों को high BP की या high blood pressure की problem होती है, asthma की problem होती है, तो वो जब बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्लड प्रेशर बैलेंसेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी। हमको पता है कि ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारी बॉडी पे बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज़्यादा है। तो एट हाई ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। तो जब हम हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है और इस इम्बैलेंस की वजह से ही नोज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं और नोज ब्लीडिंग जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी हिली एरियाज में बेसिकली। देन फाउंटेन पेन का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अ फाउंटेन पेन लीक्स ऑफन लीक्स एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो फाउंटेन पेन लीक करने लगता है। अब इसका क्या कंसेप्ट है या क्या प्रिंसिपल है, फाउंटेन पेन के अंदर जो इंक होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में रहती है, ठीक है, अगेंस्ट में वो उसमें फिल होती है, और जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं हाइट में जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जिसके वजह से इंक जो है उसमें से निकल आ रही है और पेन में लीकिंग हो रही है। एट हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द रबर ट्यूब ऑफ फाउंटेन पेन में फोर्स द इंक टू लीक आउट। वही है कि जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और एक्सेस प्रेशर अंदर जो रबर ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से फाउंटेन पेन में से इंक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि अंदर फोर्स बढ़ गया, अंदर प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से लीक आउट बाहर होगा, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है और अंदर का ज्यादा ही है, तो पेन लीक करना स्टार्ट कर देगा। देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ बैरोमीटर। हम लोगों ने बैरोमीटर्स पढ़ लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के सिंपल बैरोमीटर पढ़ा, ठीक है, फिर 14 का बैरोमीटर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइप ऑफ बैरोमीटर पढ़ा था, दैट इज द एनिरोइड बैरोमीटर। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ बैरोमीटर। नंबर वन, यूज ऑफ बैरोमीटर इन वेदर फोरकास्टिंग। वैसे तो हम बैरोमीटर को बेसिकली किस लिए डिजाइन किया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, किसी एक पर्टिकुलर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और जनरली इसको यूज भी इसीलिए किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और जो चेंजेस उसमें होते हैं। लेकिन इस चीज़ को इसमें फाइंड आउट किया गया है कि इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में भी बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ आल्सो यूज एज एन ऑल्टीमीटर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूज़ ऑफ बैरोमीटर इन वेदर का फोरकास्टिंग कैसे हम यूज़ करते हैं इसको, या कैसे ये यूजफुल है इन केस ऑफ फोरकास्टिंग द वेदर। इफ़ द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस सडनली फॉल्स, अगर किसी जगह की बैरोमेट्रिक हाइट सडनली नीचे गिर जाता है उसका स्केल, तो इसका मतलब होता है कि प्रेशर उस जगह का कम हो गया है, और ये इंडिकेट करता है कि अब कुछ समय के बाद में वहाँ पे या तो साइक्लोन आएगा या फिर स्टॉर्म आएगा, तो ये इस का सिग्नल शो करता है। देन सेकेंड इज इफ द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस ग्रेजुअली फॉल्स, अगर धीरे धीरे गिरता है इसका मतलब है कि उस जगह में ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे पानी गिरेगा, वहाँ पे रेन होगी। देन इफ द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस सडनली राइजेस, अगर अचानक से बढ़ जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हवा बहेगी, ठीक है, हवा चलेगी और उस जगह का जो प्रेशर होगा वो लो होगा, और ये इस चीज़ को बताएगा कि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। डी इज इफ द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस ग्रेजुअली राइजेस देन इट मीन्स दैट ह्यूमिडिटी इन एयर इज डिक्रीजिंग, अगर किसी जगह की बैरोमेट्रिक हाइट धीरे धीरे राइज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका मतलब है कि उस जगह के एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ई इफ बैरोमेट्रिक हाइट रिमेन्स स्टडी, अगर किसी जगह में बैरोमेट्रिक हाइट
स्टडी है, मतलब ना तो वो इंक्रीज हो रही ना तो वो डिक्रीज हो रही, एक नॉर्मल पोजीशन पे है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है. तो वी गेस द वेदर बी फाइन. तो ऐसी जगहों पे हम या इस रीडिंग के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि वहाँ का मौसम ठीक है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बैरोमीटर इन फाइंडिंग द वेदर फोरकास्टिंग. नेक्स्ट इज यूज ऑफ बैरोमीटर एज एन ऑल्टीमीटर, यानी कि बैरोमीटर को ऑल्टीमीटर की तरह यूज करना. ऑल्टीमीटर उस डिवाइस को बोलते हैं जिसको हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द ऑल्टीमीटर. और ऑल्टीमीटर को कॉमनली इंस्टॉल किया जाता है एयरक्राफ्ट में, ताकि जिस समय फ्लाइट्स उड़ रही हैं, ठीक है, उस समय इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि वो कितनी हाइट पर हैं, कितनी ऑल्टीट्यूड पर हैं. वी नो दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद द एयर इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. हम ये पढ़ रहे हैं कि इस चीज़ को हमने कई बार यहाँ पे देख लिया है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसी वैसी एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है. इसीलिए बैरामीटर को यूज़ करके एटमोस्फेरिक प्रेशर का पता लगाया जाता है, और इससे ये भी पता लगाया जाता है कि कितनी हाइट है. और इस पर्पज़ के लिए जनरली एनेरॉयड बैरामीटर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है और ईजिली आप उसको कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल भी होता है. और जो स्केल एंड्रॉयड बैरोमीटर पे लगा होता है, वो जो सी लेवल की हाइट है उसके बेसिस में उसमें रीडिंग होती है. और इस तरह के एंड्रॉयड बैरोमीटर को हम बोलते हैं ऑल्टीमीटर, जिसको पर्सन कैरी कर सकता है इवन उसकी पॉकेट में. ठीक है, तो ये आपका ऑल्टीमीटर हो गया. और इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अपथ्रस्ट और व्हाट इज़ सेंटर ऑफ बायंसी या बायंसी क्या होती है. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.